नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल से सीयूटी पीजी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, यानी 11 मार्च से, जो कि पूरा चल रहा है मार्च के एंड ऑफ डेट तक, 28 मार्च तक। आप सभी को सेंटर पे क्या चीजें ले जानी है, अब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। प्लीज ये सभी चीजें आप सेंटर पे लेके ही जाना। एक तो है खुद को ले जाना है और एडमिट कार्ड के साथ ले जाना है। आपको ब्लैक एंड व्हाइट या कलरफुल कोई में से एक A4 साइज पे प्रॉपर प्रिंटिंग के साथ एडमिट कार्ड ले जाना है, जिसमें नीचे आपका डिक्लेरेशन भी लगा होना चाहिए। समझ में आया? जहां पे आपका सिग्नेचर और थंब का एक बना होगा बॉक्स, उसके साथ प्रिंटिंग होनी चाहिए, उसको आप ले जाना। सिंगल पेज पे प्रिंट आउट आ जाते हैं तो अति उत्तम है, अदरवाइज आप सेकेंड पेज भी यूज कर सकते हो, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट या रंगीन यानी कलरफुल में से कोई एक ले जाना या दोनों ले जा सकते हो। तो एडमिट कार्ड स्वयं के साथ सेंटर पे समय से पहुंच जाना है। दूसरी चीज, आपको अपना एक फोटो लेना है। ध्यान दीजिएगा, एक या दो फोटो ले लोगे तो आपका काम वहां पे आसान हो जाएगा। कभी कभी वो लोग मांगते हैं, कभी कभी नहीं मांगते, लेकिन कंपलसरी है कि आप दो फोटो एटलीस्ट ले जाओ। उसके बाद एक आईडी ले जानी है, आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा आईडी ले जाना है, जैसे कि आधार कार्ड, सबसे ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं आधार कार्ड, अदरवाइज आप उसके अलावा भी कोई, जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ एज इट इज आपके फॉर्म में भरे गए के अकॉर्डिंग है, तो आप उसको भी ले जा सकते हो। हाँ, लेकिन वो वैलिड आईडी होना चाहिए जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अथोराइज सेक्शन में आता हो, ठीक है? तो आप वो भी ले जा सकते हो। तो फोटो हो गया, एक एक्स्ट्रा आईडी कार्ड हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया, और आप स्वयं साथ में आपका एडमिट कार्ड पे जो डिक्लेरेशन वाला पूरा पोर्शन होता है उसके साथ आप सेंटर पे समय से उपस्थिति अपना दें और अपना सुचारू रूप से एग्जाम कंप्लीट कर लें। इसके बाद भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। एग्जाम अभी स्टार्ट होने जा रहा है, पहले से प्रिडिक्ट तो नहीं करूंगा कि इतना बुरा हो, लेकिन एनटीए कई बार थोड़ा मिस एक तरह से कर जाता है कुछ गलती, जैसे उनकी स्क्रीन चली जाती है, क्वेश्चन पेपर लेट हो जाता है, कई बार पेपर्स मिसमैच हो जाते हैं। तो अगर ऐसा आपके सेंटर पे होता है, टाइप्स ऑफ कोई इरेगुलरिटीज हो जाती है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो कि प्रशासन की तरफ से गलती हुई है, यानी कोई अथॉरिटी की तरफ से गलती हुई है, तो आप बाहर निकल के क्लिप जरूर बनाए, जो वहां की रियलिटी है उससे अवगत कराएं, और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप भेजें, जिससे कि हम आपके सपोर्ट के लिए ट्विटर पे उसे डालें और बोलें कि इस तरीके की चीजें स्टार्टिंग में होने लगी तो आगे के लिए आप सुधार करो। तो प्लीज आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और ये तमाम चीजें जो मैं आपको भी सुझाव के तौर पे बताया, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? तो मुस्कुराते रहे और सेंटर पे आप समय से पहुंचे, जो चीजें मैं बताया इसके साथ पहुंचे, और बाकी एडमिट कार्ड पे भी बहुत सारा चीज लिखा रहता है उसको अच्छे से पढ़ लो, लाइक मोबाइल नहीं ले जाना है, ये नहीं ले जाना है, तो ये सब चीजें पढ़ लेना। जैसे बहुत से लोग के डाउट रहते हैं बॉटल ले जा, भाई आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप बेसिक पानी की अगर आवश्यकता है तो आप मार्केट में कैरी करने वाला एक बॉटल खरीद लेना, मतलब जो आती है ये, आप एक दिन बॉटल वाला पानी पी के अपना काम चला लो। अब घर से ले जाओ तो ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जाओ, मेटेलिक बॉटल मत ले जाना, किसी प्रकार का उस पे टैटू टैटू ना बना हो तो मत ले जाना। ड्रेस भी आप एकदम बहुत ही नॉर्मल रखो, कोई इसमें आबा गाबा ढेर सारा चकती वक्ती ना लगाओ, सिंपल सा कपड़ा ले जाना, जिससे कि उनको भी चेकिंग प्रॉब्लम ना हो और आपको चेकिंग करवाने में प्रॉब्लम ना हो। बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहन के मत चले जाना, शादी फंक्शंस के लिए बचा के रखो ज्वेलरी, वहां पहनना। एग्जाम सेंटर पे सिंपली जाओ, एकदम साधारण बन के जाओ, बराबर बन के जाओ और एग्जाम दे के बाहर आ जाना, ठीक है? तो ये सब चीजें थोड़ा सा फॉलो करना आप, बाकी अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? तो पेन वगैरह का भी बच्चों को इंक्वायरीज आती है, तो बाल पेन आप ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट कवर वाला, वैसे वो लोग आपको अगर मे बी आपका पेन वो लोग एक डिब्बे में डलवा दे तो वहां पे अंदर एक एक्स्ट्रा पेन दिया जाएगा, ब्लैंक पेपर दिया जाएगा, जो चीजें आपसे वो रखवा लेंगे वो अंदर देंगे। वो सेंटर सेंटर की बात होती है कि सेंटर्स अपनी प्राइवेसी अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इंतजाम किया हुआ है, तो ये सब चीजें हो जाती है, ठीक है? तो जाए मुस्कुराते हुए एग्जाम दें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन प्लीज आप सभी से निवेदन है कि एक बार एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ लें, उसमें जो जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो जरूर करें। इस वीडियो में ये भी कॉमेंट करें कि बनारस में किसका कैसा सेंटर है, क्योंकि हम लोग आएंगे आपके रिपोर्टिंग के लिए, कि आपका एग्जाम कैसा गया, आप कैसा महसूस कर रहे हो, ठीक है? आपका हालचाल पूछने। मुस्कुराते रहे, हर हर महादेव।